सो वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स. इट इज जैन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास फोर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. टुडे वी स्टडी आउट क्लास टेंथ फिजिक्स वी एंड द चैप्टर टर्निंग फोर्स. एकदम अच्छा से मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बढ़ा दिए. जितना भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा. क्लॉकवाइज माइनस होता है, एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है, ये सब याद रखना चाहिए. और मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं बता दिए थे. कैसे रड में हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं पिछला वीडियो देखे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा. वीडियो में कितना 4 5 जी चेक करो, एक बार चेक कर लो. पक्का चलिए फोर्थ ही वीडियो है. तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सर्कुलर मोशन. बस कोई फार्मूला भी नहीं, ध्यान सुनना है. कोई बॉडी का जहां पे ऐसा पॉइंट, एक पॉइंट है जहां पे सारा भार केंद्रित होता है, होल मास जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. जैसे इसका सारा भार कहाँ केंद्रित, ये पेन का बीचों बीच यहाँ पे है ना, इसका सारा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, किस पॉइंट पर, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो पहला, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी जी बोलते हैं. द पॉइंट है, एक ऐसा जगह है एट विच, जहाँ पे होल पूरा मास ऑफ, द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ है ना, जहाँ पे सारा मास, द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ ए बॉडी इज सेंटर्ड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी जी बोलते हैं. जैसे मान ली कोई बॉडी है इस पॉइंट ठीक बीचों बीच जहाँ सारा भार केंद्रित होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. तो पूछता है तो रेगुलर शेप का बॉडी का कहाँ होता है, ऐसा एग्जाम में आता है, ध्यान सुनिएगा. बुक में भी दिया हुआ रेगुलर शेप बॉडी, जैसे एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी हुआ, ठीक है, एक रेक्टेंगल, एक ट्राइंगल, तो कहाँ पे सारा भार केंद्रित है, एग्जाम में आता है. तो ट्राइंगल का जहाँ पे मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे सारा भार केंद्रित है. कोई ट्राइंगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, तो बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जहाँ मीडियंस कटते हैं वहाँ पे सारा भार केंद्रित है. कोई ट्राइंगुलर बॉडी को अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ से हमको कुछ लटकाना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना है ना, हमारे इसको लटकाना है, तो कहाँ से कहाँ पे, जैसे इसको लटकाना है तो कहाँ पे हम रखेंगे पूरा बैलेंस में रहेगा, यहाँ यहाँ कहाँ, ठीक बीचों बीच. तो ये तो एक रड है, लेकिन अगर ट्राइंगुलर रहेगा, ट्राइंगल रहेगा तो कहाँ पे लटकाना पड़ेगा, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ से लटका तो पूरा एकदम स्ट्रेट खड़ा रहेगा. तो जहाँ पे सारा भार केंद्रित है वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. तो पूछता है एग्जाम में ट्राइंगल का कहाँ पे होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जहाँ मीडियन करते हैं ना वहाँ पे होता है. रेक्टेंगल का कहाँ होता है या स्क्वायर का कहाँ होता है या क्वाड्रिलेटरल का कहाँ होता है, तो बोलिए सीधे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, एग्जाम में आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, डायगोनल्स. डायगोनल्स में जहाँ पे एक नंबर एग्जाम मिल जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कोई भी हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब इसको लटकाएंगे तो कहाँ पे एकदम इक्विलिब्रियम में रहेगा, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कटा है, ठीक है, किसका, डायगोनल्स, इस पॉइंट पर इसको लटका देंगे ना तो ये पूरा स्थिर ऐसे रहेगा. अंडरस्टूड. कोई रड रहेगा तो, कोई थिन रड, एक रड ऐसे ठीक बीचों बीच एकदम कहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ रड, जैसे ये रड ऐसा है, तो ठीक बीचों बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब वहाँ पे उसको लटकाएंगे तो वो स्थिर रहेगा, यहाँ लटकाएंगे तो इधर गिर जाएगा, इधर 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 भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे, तो जहाँ पे वो बैलेंस में रहे उस पॉइंट पर अगर लटकाएंगे तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, जहाँ पे वो एकदम बैलेंस में रहेगा. तो मिड पॉइंट में होता है, थिन रड का मिड पॉइंट, समझ में आ रहा है. ट्राइंगल का पूछता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, रेक्टेंगल का पूछता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, थिन रड का पूछता है ठीक बीचों बीच, मिड पॉइंट ऑफ रड विल गिव यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी.
अंडरस्टूड? तो चलिए और भी बहुत सा है, सर्कुलर रिंग, देखिए चूड़ी है ना, चूड़ी का ठीक सेंटर कहाँ पे होता है, एट द सेंटर। रिंग बोलिए, सर्कुलर रिंग का पूछेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, तो क्या बोलिएगा? ठीक उसका सेंटर में। देखें स्फेयर, स्फेयर देखें, स्फेयर है कि नहीं, फुटबॉल कहाँ पे होता है, सेंटर में। रिंग हो या स्फेयर हो या सर्कुलर डिस्क, देखें डिस्क इससे पूरा भरा हुआ होता है ना प्लेट, तीनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है एग्जाम में, यू विल गेट वन मार्क। वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कुलर रिंग, स्फेयर, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क, प्लेट, सब कहाँ पे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे सेंटर होता है उनका अपना सेंटर, ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि नहीं। जहाँ से हम लोग देखें रेडियस बनाते नहीं, आर देख रहे, आर देख रहे, आर है कि नहीं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कुलर रिंग इज एट द सेंटर, स्फेयर इज ऑल्सो एट द सेंटर, एंड फॉर सर्कुलर डिस्क द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द सेंटर। अंडरस्टूड? एक नंबर एग्जाम मिलता है। सिलेंडर रहेगा तो एक सिलेंड्रिकल बॉडी, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द, बोलिए तो कहाँ, ठीक मिड पॉइंट। फोर सिलेंडर, वाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट विच द होल मास विल कॉन्सेंट्रेटेड, तो वेयर इज द होल मास कॉन्सेंट्रेट फॉर सिलेंडर, यू हैव टू से एट द मिड, ठीक बीचो बीच, जैसे ये भी सिलेंडर टाइप का ही है, बीचो बीच। कौन, इसे कौन ठीक बीचो बीच नहीं होता, इसका हाइट का वन थर्ड है ना, वन बाई थ्री एच। ध्यान देखिए, जैसे मान ली कोई रड है, सॉरी कौन है, कौन है, इसका हाइट अगर मान लीजिए है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पूरा हाइट है, तो 1 सेंटीमीटर दूरी में ना, 1 सेंटीमीटर दूरी में क्या होगा, वन थर्ड, 3 का 1/3 कितना होता है 1। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है, कौन का, बीचों बीच नहीं, 1/3 में लाई करता है, 1/3 में लाई करता है, क्लियर है? सॉरी फिगर उल्टा बनाना पड़ेगा, इस ऐसे बनाना पड़ेगा, 1/3 बोले कितना होगा, 1/3 यहाँ पे, 1/3 ये दूरी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट वेयर, 1/3 ऑफ हाइट। सिलेंडर का कहाँ होता है बता दिए, ये तो ये रेगुलर शेप का था, वैसे इरेगुलर शेप का भी होता है, नोट कीजिए। सो लुक हियर, फॉर इरेगुलर शेप, फॉर इरेगुलर शेप बॉडी, इरेगुलर शेप बॉडी, इस टाइप की बॉडी है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एक्सिस में बांट देते हैं, ठीक है, एकदम ठीक बीचों बीच, जहाँ पे एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक बीचों बीच दो लाइन, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, एक्सिस, इरेगुलर शेप, जिसका शेप नहीं पता है कि नहीं, पॉइंट ऑफ, जैसे मान ली कोई बॉडी इस तरह का है, ठीक है, कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक ऐसे एक लाइन ड्रॉ करिए, फिर ठीक बीचों बीच एक ऐसा लाइन ड्रॉ करिए, जहाँ कटेगा वहीं पर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, दो को एक्सिस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, जहाँ पे एक्सिस कटेगा वहीं पर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, एक्सिस में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, फॉर इरेगुलर शेप, जिसका शेप रेगुलर नहीं है। अंडरस्टूड? किसी भी तरह का शेप हो सकता है, मान लीजिए इस तरह का शेप दे दिया, कैसे निकालेंगे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ना ट्राइंगल है ना क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या करेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, तो यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विल गिव यू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई बॉडी किसी पॉइंट के चारों ओर अगर, ध्यान सुनिएगा, चक्कर लगा रहा है इन द सर्कुलर पाथ। कोई बॉडी किसी पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ, देन सच मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन बोलते हैं विथ क्या, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, कोई बॉडी चक्कर लगा रहा है इस पॉइंट के चारों सर्कुलर पाथ में, तो उस बॉडी का मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, सेम है, हर पॉइंट पर अगर उसका वेलोसिटी सेम है तो क्या कहता है, सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड कहता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है, एग्जाम में एक नंबर मिलता है, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार बदल रहा है लेकिन उसका क्या होता है, सेम रहता है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी किधर है, एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ऐसा मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे अर्थ घूम रहा है सन के चारों ओर, अर्थ घूम रहा है कि नहीं, सन के चारों ओर, तो ये जो मोशन है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सर्कुलर मोशन। घड़ी का सुई घूम रहा है कि नहीं, तो हर तरह का मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, व्हेन ए बॉडी इज इन मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट, अबाउट, जैसे सन एक फिक्स पॉइंट है कि नहीं, अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन कौन सा पाथ, सर्कुलर पाथ में, विथ क्या चीज, विथ सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी। अगर फाइव है तो सब जगह क्या होना चाहिए, फाइव, सब जगह क्या होना चाहिए, फाइव, सेम वेलोसिटी से। अगर फाइव मीटर पर सेकेंड तो हर जगह फाइव मीटर पर सेकेंड, देन तब सच मोशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड ही बोलते हैं, विथ कांस्टेंट मतलब सेम स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोलते इसमें, स्पीड बोलते क्योंकि स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता है। बहुत से एग्जाम्पल है, बोलिए तो एग्जाम्पल, मोशन ऑफ क्या, अर्थ, मोशन ऑफ हाथ का जो घड़ी होता है, हैंड्स ऑफ क्लॉक, कांटा बोलते हैं, कांटा जिसको बोलते हैं, ये सब एग्जाम्पल है क्या सर्कुलर मोशन का। वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है, क्या बोलेंगे, टेंजेंट, ध्यान सुनिएगा, टेंजेंट ड्रोन एट दैट पॉइंट। टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है ना, जैसे कोई सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, कोई सर्कुलर मोशन में है, ये टेंजेंट का डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे होगा। फिर यहाँ पहुँच गया बॉडी, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वही वेलोसिटी का, देखिए बदल रहा है बार बार, वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार बदलता है, देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार बदलता है इन किस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। देख रहे हैं मोशन ऐसे है कि नहीं, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन बार बार क्या है, बदलता है। वेलोसिटी डायरेक्शन कौन देता है, तो बोलेंगे टेंजेंट, टेंजेंट मतलब एक लाइन, टचिंग लाइन को बोलते हैं। ड्रोन एट दैट पॉइंट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्लियर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार सेम रहता है, बदलता है, डायरेक्शन क्या होता है, चेंजेज। एग्जाम्पल पूछेगा तो बहुत से एग्जाम्पल है, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट सन है कि नहीं, अर्थ का मोशन बुक में पढ़िएगा, बहुत से एग्जाम्पल दिया हुआ है अबाउट सन। घड़ी का जो सुई घूमते रहता है वो सभी सर्कुलर मोशन, पेडल मारते हैं, साइकिल का टायर आगे जाता है, पंखा का जो डायना घूम रहा है, सभी क्या है, सर्कुलर मोशन में, किसी पॉइंट के अबाउट वो लोग सर्कुलर पाथ में है। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी अगर मूव करता है तो सेंटर के तरफ एक फोर्स काम करता है जिसके चलते वो झुका हुआ रहता है। सर्कुलर मोशन में जब भी आप देखिए, कभी भी मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, रोड में मोड़ आ गया, तो देखिए आप सेंटर के तरफ झुक जाते हैं, सेंटर के तरफ फोर्स काम करता है, सेंटर के तरफ फोर्स काम करता है, आता एग्जाम में एक नंबर मिलता है, उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, सेंट्रीपिटल क्या फोर्स।
कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में, तो पूछता है एक नंबर के लिए कौन सा फोर्स काम करता है टुवर्ड सेंटर, तो क्या बोलेंगे, सेंट्रीप्यूटल फोर्स एक्ट्स. तो व्हेन ए बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन देन ए फोर्स एक्ट ऑन इट टुवर्ड्स सेंटर कोल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. जैसे बोलेंगे ना, मून घूम रहा है अर्थ के चारों ओर, मालूम सबको, मून अर्थ के चारों, कौन सा मोशन में पूछेंगे, मून घूम रहा है अर्थ के चारों ओर, तो कौन सा मोशन में बोलेंगे, सर्कुलर मोशन में. क्लियर है? उसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है अर्थ के तरफ, तो क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है. क्लियर है? एक और फोर्स काम करता है सेंटर से दूर, अवे भी फोर्स काम करता है, सेंटर से दूर फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. देखिए ध्यान से, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, हमेशा सेंटर की तरफ खींच रहा है उसको, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो दूर भी एक फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल अवे, सेंटर के तरफ जो फोर्स काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी बोलते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं हम लोग जो अवे दूर में काम करता है. इसलिए बॉडी जितना इधर होता है उतना ही उधर, इसलिए नहीं गिरता कोई बॉडी, कोई बॉडी इधर से जितना फोर्स है उतना उधर की ओर फोर्स है, जितना इधर है उतना उधर है, इसलिए सेंटर के तरफ जितना फोर्स काम करता है उतना ही अवे फोर्स काम करता है, वैसा फोर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो क्या बोलेंगे, द फोर्स विच एक्ट्स अवे फ्रॉम क्या, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एक नंबर एग्जाम में तुरंत मिल जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल क्या फोर्स, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर, दो दो को फोर्स काम करता है, सेंटर से दूर फोर्स काम करता है कोल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर की तरफ जो फोर्स काम करता है इज कोल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. दोनों ही फोर्स के वैल्यू बराबर होता है, जितना सेंट्रीपिटल उतना ही सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, वेर एम क्या है, एम इज मास ऑफ बॉडी जो घूम रहा है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, आर क्या है, रेडियस. अंडरस्टूड? और दोनों का वैल्यू बराबर हो, जितना इधर काम करेगा उतना उधर काम करेगा. बोलेंगे मोशन ऑफ मून, कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल, लेकिन फिर भी नहीं गिरेगा इधर की ओर, अर्थ खींच रहा है उसको फिर भी नहीं, क्योंकि इधर भी एक फोर्स काम कर रहा है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और भी बहुत से एग्जाम्पल है कि नहीं, मौत का कुआं देखे होंगे, नहीं देखिए सब, कोई मौत का कुआं ऐसे बना होता है, तो सब जितना फोर्स इधर काम कर रहा है उतना ही फोर्स इधर काम करता है, इसलिए वो नहीं गिरता है. साइकिल जो चला रहा है, चाहे मान ली बाइक चला रहा है, कार चला रहा है, ऑन द मौत का कुआं देखे होंगे, तो सेंटर के जो जितना फोर्स है सर्कुलर मोशन में हो, है कि नहीं, जितना सेंट्रल की ओर फोर्स काम कर रहा है उतना ही दूर भी काम कर रहा है, कितना होता है वैल्यू, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम क्या है मास, वी क्या है वेलोसिटी, आर क्या है रेडियस, और सेंटर की तरफ जितना फोर्स होगा उतना ही क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा, सी एफ दूर, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल, तो यही फोर्स काम करता है किसमें, सर्कुलर मोशन में. अंडरस्टूड? एकदम अच्छा समझा दिए, नोट कर लीजिए.